दी हुकूमत, और इंशाल्लाह कुड़ंगल के अंदर से हम निकल के उसके जेल में जान दिए, जेल तोड़ के और जेल में जाकर इसको गोलियों से भून देंगे इंशाल्लाह। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ख्याल कीजिए केसीआर साहब, जो भी है जरा सख्ती से इसके बारे में लीजिए। करने से पूरी इंसानियत का शर्म से झुक जा रहा। अरे ऐसे इंसान नहीं होता, ये जानवर की औलाद है, ये जानवर भी ऐसी हरकत नहीं करता। और रेप करने के बाद इसको जला दिया गया। अरे तुम्हारे क्या जरूरत है भाई, तुमको ऐसे रेपिस्टों को, ऐसे जानियों को सरेआम हुकूमत सरेआम नंगा करके ये पूरे रेपिस्टों को चारों को जिंदा जिंदा पेट्रोल डाल के जमाना चाहिए। क्योंकि ऐसा अगर रेपिस्ट को खुला छोड़ दिए, पुलिस अगर सपोर्ट कर ली, आज शादनगर में धरना हो रहा, वो रेपिस्टों को पब्लिक के हाथ में दे देना था, पब्लिक बता देती थी रेपिस्टों का क्या करना। अरे इसको छुपा रहे, उनको प्रोटेक्शन दे रहे, जरूरत नहीं है प्रोटेक्शन की, पब्लिक के हाथ में दे दो, ये रेपिस्टों को जिंदा पेट्रोल डाल के जलाना चाहिए। हुकूमत तेलंगाना केसीआर साहब से हमारी गुजारिश है, ये ईओ ने आगे बोलेंगे हम एक्शन लेंगे, एक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जजमेंट होना चाहिए सरे आम खुले आम चौरास्ते पे। इन लोगों को जिस तरह से सऊदी में, दुबई में और कई कंट्रियों में होता है, इन लोगों को सरे आम चौरास्ते पर लाके पेट्रोल डालकर जिंदा जलाना और गोलियों से भून देना चाहिए। क्योंकि अगला कोई कल परसों प्रियंका रेड्डी क्या हो गया, उसके बाद और एक कोई अनुसा बोलने वाले, नाम तो याद नहीं है, यही अनुसा बोले, उसका भी रेप हो गया। अरे इतना निडर हो गई पब्लिक तेलंगाना के अंदर, हम सुनते थे दूसरे स्टेटों में। प्रियंका रेड्डी के खातिलों को फांसी दो, प्रियंका रेड्डी के खातिलों को फांसी दो, फांसी दो। प्रियंका रेड्डी के खातिलों